घर से दूर फिर भी छठ का जादू, इसका नाम सुनते ही क्यों भावुक हो जाते हैं बिहारी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम बिहारियों में छठ पूजा को लेकर काफी दीवानगी देखने को मिलती है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी बिहारियों के छठ को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। हम में से कई लोग जब बिहार से बाहर अपने रोजगार या पढ़ाई के लिए गए तो कई लोगों ने छठ में बनने वाले प्रसाद ठेकुआ की चर्चा जरूर की। जब भी दूसरे राज्य के लोग हमसे सवाल करते हैं कि छठ क्या है, तो छठ से जुड़ी चीज़ें तो बता देते हैं, लेकिन छठ को लेकर खुद के इमोशन को कैसे समझाएं ये समझ नहीं आता। केवल कहकर छठ से जुड़े इमोशन को समझाना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है, फिर खरना, संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ के साथ इसकी समाप्ति होती है। नहाए खाए में दाल भात और कद्दू की सब्जी बनते देखना, खरना के दिन केला के पात पर नेवज निकलते देखना, फिर घी लगी रोटी, खीर और केले का स्वाद चखना, इसकी बात ही अलग होती है। संध्या अर्घ के दिन घर में तो 1 बजते ही घाट पर जाने की होड़ सी लग जाती है। घर के बच्चों को तैयार करवाने से बड़ों के तैयार होने तक फिर छठ में घाट का माहौल ही अलग होता है। सुबह वाले अर्घ में नहा धोकर सुबह 3 बजे ही घाट पर पहुँचते हैं, फिर सूर्य भगवान के उदय का इंतजार करना, इसकी बात ही अलग है। पूजा समाप्ति के बाद सभी प्रसाद में मिलने वाले ठेकुए का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वक्त सुहागन छठ व्रतियों के माथे पर पीपा सिंदूर की चमक देखते बनती है। बच्चों और बड़ों के सर पर ऐपन का टीका, बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना, फिर अंत में पारन का खाना। जिसने इन सभी चीज़ों को करीब से देखा है, प्रसाद का स्वाद चखा है। इन सभी को करीब से देखने के बाद, छठ के ठेकुआ का प्रसाद चखने के बाद, कैसे हम केवल शब्दों में ही अपने छठ के इमोशन को एक्सप्लेन करें। अभी हाल में पंकज त्रिपाठी भी छठ को लेकर जब अपनी भावना बता रहे थे तो वो इमोशनल हो गए थे। बॉलीवुड और वेब सीरीज के इतने बड़े सुपरस्टार जब अपनी भावनाओं को बता नहीं पाए तो हम आम आदमी की बात ही क्या है। छठ को लेकर तो दूर प्रदेश में रहने वाले लोग भी बिहार आते हैं। इस दौरान छठ को लेकर ट्रेनों और बसों में गजब की भीड़ होती है। इस वक्त सभी बिहारी बिहार आने को उतावले होते हैं। इसकी लोकप्रियता देखकर तो बिहार सरकार ने भी छठ को देखने के लिए पर्यटकों को बिहार आमंत्रित किया है। इसके लिए बिहार सरकार छठ टूर पैकेज भी चला रही है। रेलवे द्वारा छठ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। पूरे साल जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, छठ में उन्हें अपने घर आने का मौका मिलता है। केवल शब्दों में छठ के इमोशन को एक्सप्लेन करना शायद ही संभव हो। पूरे देश में उगते सूरज की पूजा की जाती है, लेकिन हम बिहारी ऐसे हैं जो डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। छठ को केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इसके महात्म को समझते हैं। धार्मिक रूप से छठ का अपना इतिहास रहा है। कहा जाता है कि माँ सीता ने पहली बार मुंगेर में छठ किया था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पूरे साल में छठ 2 बार आता है, एक चैत्र महीने का और दूसरा कार्तिक माह का, लेकिन कार्तिक महीने के छठ की विशेष परंपरा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस बार आप छठ कहाँ मना रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।